अस्सलामुअलैकुम मेरे छोटू की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहदिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना, आमीन सुबह आमीन, तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह, जुम्मे का दिन है। पहले तो आपको इस नेक दिन के सबके अल्लाह ताला की तमाम परेशानियाँ दूर करें और आपकी दिली हाजत जायज पूरी करें, आमीन सुबह आमीन। तो बस यहाँ मैं चुनरियों को डाल रही थी, खाना काफ़ी खा तो खा के चली गई, तो मैं चुन रही थी कि इनके ज़मीन में ना गिरे, तो कुछ सामान मैंने बेटे से मंगाया, वह देखते हैं कि वहाँ भी गए लेकर आ गए हो। और माशाल्लाह से ये मैंने मंगाई है सेवियाँ, आज सेवियों का ज़्यादा बनाऊंगी। और सब्जी और कलेजी ले आए हो, गोटे डलवाएँ इसके अंदर जी। तो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैफुल्ला का ड्रेस देखें, सैफुल्ला माशाल्लाह आगे थे। और इन ये है कि ये जुम्मे वाले दिन ना ये सलवार कमीज़ पहनते, वैसे तो ये पैंट शर्ट में नज़र आते हैं पूरा हफ्ता, लेकिन आज ये साफ़ सुथरे हो के और बस ये कि इन्होंने सलवार कमीज़ पहनी है और ये जा रहे हैं बस अपना नमाज पढ़ने। और भाई से भी को, बाबा से भी को जाएँ, सोचा तो आप ले आए हो, तो बस ये है कि आप जाते हैं किचन में बनाने के लिए। और बस ये मैं आज बनाऊँगी सेवियों का ज़र्दा, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और ये है कि इतना माशाल्लाह सब घर में होते हैं तो इनका मीठा खाने को दिल करता है। और आज बनेगा खाने में ये कलेजी बनेगी, ये मेरी नन बनाएंगी, वो अच्छी बनाती है, मैंने कहा ये आप बनाइएगा, मुझे इतनी अच्छी नहीं बनाने आती। अब सब्जी मैंने ये बस टमाटर और हरी मिर्चें लहसुन वसन मंगाए हैं किचन में जाके। नमाज अभी अजाने भी हो गई हैं और जाओ आप दोनों, और भाई को भी को और बाबा से भी को जल्दी जाए, इसी देर में ये बना लेंगे। बस बच्चे जैसे आए थे तो उनको नाश्ता वाश्ता हमने करा लिया था जल्दी जल्दी, और फिर मैंने इसे यही कहा कि पहले नहाने जाओ, फ्रेश हो जाओ और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता भी कर लिया और सारे बर्तन किचन सारा माशाल्लाह से सारा साफ हो गया, बस अब करेंगे खाने का इंतज़ाम। और ये कि गैस भी हमारी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, जल्दी जल्दी करते हैं खाने का इंतज़ाम। और बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जी माशाल्लाह से इस टाइम हम बाहर बैठ जाते हैं और आज तो बादल है, धूप भी नहीं निकली और बस ये मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन बाहर जो बैठ के सब्ज़ी बनाने का और बातें करने का मज़ा है वो अंदर नहीं। तो अब जल्दी जल्दी ये लहसुन छील रहे हैं, टमाटर और बाकी चीज़ें अंदर हैं कमरे में, और बस ये टाइम को कह रहे हैं कि ना ज़्यादा ना बनाओ, वो बना लो दूध वाली सेवियाँ, चलो वही बना लो, खाना वही बना लेते हैं, फिर ज़्यादा देखेंगे एक दो दिन में। समीला नहीं करो, समीला वहाँ झूले ले रहे हैं, तो किचन में जाके आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग तो लहसुन छीलो, मैं आती हूँ, ठीक है? तो बस किचन में दिखाती हूँ कि फोटे मैंने गलाने के लिए रख दिए हैं, और वो भी आपको किचन का भी थोड़ा सा दौरा करवाते हैं। तो जी माशाल्लाह बस सबने चाय पी ली है, मेरी चाय रहती है मैं डालती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र होती है खाना बनाना और वो करना मैनेज करना। ये देखें जी पोटे हमारे नहीं मुर्गी के गलाने रख दिए हैं, ये गल रहे हैं। और बस सायाबू के लिए अभी दूसरी सेवियाँ बनाती हूँ, उन्हें देती हूँ बना के, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं। और कलेजी भी मैंने धो के फ्रिज में रख दी है, और नन बना रही है मिसाला, वो मिसाला बना के भी किचन में आएंगी, तो फिर उसकी रेसिपी भी आप लोगों को देते हैं जल्दी से। और चाय मेरी ठंडी होगी इसको दोबारा करती हूँ गर्म, सबने पी लिए चाय, देखे बेचारी मेरी जो चाय वो इंतज़ार कर रही है मेरा, तो डालती हूँ और चाय पीती हूँ। आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो जी माशाल्लाह सेवियाँ भी बन गई हैं हल्की सी आंच पे, और चाय भी मेरी सबने पी ली, बस मैं अभी चाय करते 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 मेरा ये टाइम हो गया और चाय भी मेरी ठंडी हो गई, और बस ये लेके जाते हैं कमरे में तायबू को देते हैं। माशाल्लाह से बन गई है तायबू के लिए भी, तो ऐसे करती हूँ पहले तायबू को दे देती हूँ, उसके बाद फिर आके चाय लेके जाती हूँ, इंतज़ार कर रहे होंगे वो। तो बस समीउल्लाह की तबीयत भी ठीक नहीं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि इसके गले भी आए हुए हैं, खांसी भी हो रही है और नज़ला भी बहुत ज़्यादा है, और इतने कोई सीरप पीछे पड़े हुए हैं। और ये है कि छुट्टी करवा रही हूँ इनकी एकेडमी से भी, अब समीउल्लाह तो जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन ये कि इनके एनुअल पेपर भी हो रहे हैं, तो मैंने टीचर को फ़ोन कर दिया है कि ना भाई मैं इसको घर में पढ़ाऊँगी, क्योंकि बाहर इतनी ठंडी हवा है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो मैंने कहीं ज़्यादा ही तबीयत ना ख़राब हो जाए। कल भी मैंने इनके काफ़ी सारे सीरप मंगवाए हैं, डॉक्टर को चेक करवा के पकड़ो समीउल्लाह, ये तो बस ये भी सीरप मंगवाया है, काफ़ी सारे 5-6 सीरप इसके पड़े हुए हैं, अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई और पेपर भी इसके एनुअल हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, तो बस ये है कि अल्लाह जल्दी से इसको सेहतयाब कर दे ताकि अच्छे अच्छे पेपर दें, और जाना भी होता है सुबह के टाइम, तो मैं इनको निम्बुलाइज करवा रही हूँ। चलो जल्दी से करो ये पकड़ो, मुँह साल लगाओ,
तो सैफुल्ला तो जा रहे हैं एकेडमी और बस समीउल्ला नहीं जा रहे, उधर बैठे हुए हैं। तो आपने एकेडमी वाले टीचर से कहना है, ठीक है? क्या वैसे तो मैंने मैसेज कर दिया, उनको बता दिया सारी कंडीशन, तो कहती है खैर आप घर में पढ़ा लें और फिर ये कि कल से भेज दीजिएगा। वो ये कहती है कि आज रेस्ट करवाएं समीउल्ला को, तो कल से भेजना। चलो सलाम करो, सलाम अलैकुम। चलो जाओ। मम्मा बिस्किट ले आऊँ मैं? बिस्किट ले आए हो? कौन कौन से लाए हो? दो प्रिंस एक पीनट बिस्किट। अच्छा, पीनट प्रिंस तो अपने नहीं लेकर आए होगे और समीउल्ला के लाए होगे। और देखें समीउल्ला अकेले ही लिडो खेल रहे हैं। तबीयत ठीक हुई पहले से मेरे बेटे की? बेहतर हुई है? अकेले खेल रहे हो? चलो ये लो अपने, एक आपका है एक भैया का, ठीक है? चलो दोनों डिवाइड करो और ये पीनट्स वाले जाके वो अब्दुल्ला भैया को दे दो, ठीक है? और मिल के बांट के खाना। मैं किचन में जा रही हूँ पुप्पो को देखने, पुप्पो खाना पका रही है। गए हम और बस ये है कि आज जो खाने के जो रेसिपी है नंद ने संभाली हुई है, लेकिन मैं संभालूंगी यार। कोई कोई चीज़ माशाल्लाह ये अच्छी बनाती है, कुछ मैं अच्छी बनाती हूँ, तो बस ये बना रही है अपना मसाला। इन्होंने अच्छे तरीके से भून लिया है और बस ये है कि थोड़ी सी दही डलेगी और जब तैयार हो जाएंगे पोटे के लिए जी, तो बस ये जो है कसूरी मेथी बस ये ऊपर से ही छिड़क देंगे, फिर तो बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा ना इसमें। बस बाकी आप एक ये बना लो, ग्रेवी बना लो। मैं किचन समेट लेती हूँ सारा ना, बर्तन बर्तन और ये बस सब्जियां डाल लेती हूँ, क्योंकि फैला हुआ किचन तो हम दोनों को बहुत बुरा लगता है। हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं, आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, जैसे जैसे काम के साथ ही साथ बर्तन भी धोते गए। और ये कि सब्जी में इधर डाल देती हूँ, ढक के मैं रखती हूँ ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। और ये मसाले भी मैं शोकेस में रख देती हूँ सारे साथ के साथ, वो बना रही है और मैं रखती जाती हूँ। तो ये इधर डाल देते हैं सारा सामान, क्योंकि ऐसे फैला हो ना मजा नहीं आता कुकिंग करने का ना। तो बस ये है, तायबू को भी मैंने ना दूसरी ने बना के दे दिया खाना। हाँ खाना भी खा लिया माशाल्लाह से उन्होंने, और बस हमने खाना है वो तो हम लेट चाहे 8:30 हमें अपनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमने बीच में हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले लेते हैं जिससे हमारा पेट भी फुल हो जाता है। बच्चे कभी बिस्किट खा रहे हैं कभी क्या, तो बस जैसे ही ये पकेगा तो फिर इसकी जो फाइनल लुक है आप लोगों को दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी कितना मज़े का और कितने मज़े की देखें ग्रेवी बनी है। और बस लाइट हमारी चली गई थी तो इस वजह से पूरी रेसिपी नहीं दिखा सके, लेकिन हमने मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई है जो नन्ने बनाए थे कलेजी पोटे, बहुत ही माशाल्लाह मज़े के बनाते हैं। और हम कढ़ाई में ही बनाते हैं, कढ़ाई में बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनता है। तो बस ऊपर से इन्होंने कसूरी मेथी ऊपर से छिड़क दी थी और बस ये है कि ढक देते हैं और थोड़ी देर में बस खाना लगाते हैं खाते हैं। और बस ये है कि जरा समीउल्ला की तबीयत ठीक नहीं है, बस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत टेंशन में हूँ कि एनुअल पेपर है और इस तरह वो बीमार हो गया है। तो बस इसी तरह नज़ले खांसी बुखार हो जाते हैं, लेकिन उसकी खांसी नॉन स्टॉप है, रात को सोते मतलब इतनी कोई खांसी होती है कि सो ही नहीं सकता। निबुलाइज भी कर रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, बस आप लोगों ने दुआ करना है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, सब बच्चों को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे और माँ बाप की नज़रें ठंडी रखे। और लास्ट से बस आप लोगों के लिए दुआएँ, आप लोग मुझे दुआ में याद रखेगा। तो बस ये है कि ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, समीउल्ला की तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चों के एनुअल पेपर है। बस जाती हूँ कमरे में और बच्चों से पूछती हूँ खाना है, खाने तो खाना लगाते हैं। और बस उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया है, तो पसंद आया तो आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि इसी तरह से मेरी जो फैमिली कॉन्टेंट है आपके सामने लाती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।